से सुमन बना रहा हूँ। सुमन क्या क्या लिए? सबसे पहले क्या लिए? आइस 45। कितना ग्राम लेना है आइस? 45 ग्राम ना। समझी ना, याद की नहीं है दिमाग में। 75 सॉरी। क्या गाइस आप देख सकते हैं, ये हम लोग का बेल्जियन का टीम मेंबर है सब। किसको? तो अभी हम लोग सुमन जी बना रहा हम लोग का। 75 कितना हो रहा है? 75 कितना हुआ? 150। फ्रैपे ना क्या बोलते हैं, फ्रैपे पाउडर ना। हाँ फ्रैपे पाउडर कितना जाता है? एक में कितना जाता है? 25। दो में कितना जाएगा? सब सब पपड़ी ना। सोन से, सोन से ये नया लंच हुआ हम लोग का, तो आपको दिखा देते। देखिए इसमें रख दिया, भांग मिला के पी लीजिए। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सब कैसे हो? आई होप कि सब स्वस्थ और मस्त होगे, अपना भला एवं खुश होगे। दोस्तों सुबह का टाइम, तो आप सभी को मेरा आपसे प्यारा वाला गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो ब्लॉग शुरुआत आप देख सकते हैं बरिश्ता से है गाइस। तो अभी सुबह का टाइम में मेरा आज ओपनिंग शिफ्ट था, तो अभी हम सुबह में आ गया था काम करना। यहाँ का बैकग्राउंड देख सकते हैं गाइस, अभी हम लोग जस्ट ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हैं लाइट वगैरह पूरा ऑन कर दिया और जो शटर भी पूरा ऑन कर दिया। अभी काम यहाँ पे बचा हुआ गाइस, यहाँ पूरा टेबल वगैरह पूरा ओपनिंग करना पड़ेगा। दोस्तों आज जितना भी मेरा ब्लॉग से बरिश्ता का बंदा कोई भी अगर दिखता है तो गाइस उन लोग को पता तो चलना चाहिए कि सुबह में हम लोग क्या क्या काम करना पड़ता है। तो आज के ब्लॉग में कोशिश करेंगे पूरा कवर करने के लिए। हम लोग जो चीज़ सुबह काम किया जाता है हर चीज़ हम लोग आज करेंगे और आपको भी दिखाएंगे गाइस। ब्लॉग में बने रहना अब तक। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ जो अभी नया आया है फिलहाल सिपर ये, लेकिन गाइस हॉट के लिए नहीं, एक कोल्ड के लिए, लेकिन हमको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ा इसका प्राइस भी आपको बता देते गाइस, इसका प्राइस पड़ेगा हमको लगभग पड़ता है इसका 1300 रुपये गाइस। इसका प्राइस 1300 रुपया प्राइस है इसका, पूरा डिस्प्ले लगा। और यहाँ पर गाइस देख सकते हम कल रात को पूरा उसको सब, यहाँ का जितना डिस्प्ले होता है ना उसको बंद करके चल जाता है, तो रात को हम लोग पूरा डी फ्रेम रख दिए सब सामान यहाँ पे पूरा। तो अभी हम लोग उसको सबसे पहले गाइस अभी हम लोग इसको साफ़ करेंगे, उसको साफ़ कर लेंगे पूरा अच्छा से। और यहाँ मशीन भी हम लोग ऑन कर दिए जैसे जो तभी तो हम मशीन भी ऑन कर लिए, तो अभी तक इसको प्रेशर आया नहीं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एसी वगैरह ऑन कर दिया। इस साइड में देख सकते हैं हम लोग सिस्टम भी ऑन कर दिया, रिश्ता ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो गाना म्यूजिक चालू है, अभी स्लो है तो इसको स्पीड कर देते हैं। ओके तुम्हारा ड्रेस चेंज। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल अभी हम लोग पूरा साफ़ कर दिया, देखिए पूरा साफ़ करा। तो अभी हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तो मेरा जितना सामान ना सब इसके अंदर में है, डीप फ्रीजर के अंदर में, तो इसको निकालते हैं करके। मॉफिन है यहाँ पे देख सकते हैं वाला चॉकलेट वाला मॉफिन, चॉकलेट वाला मॉफिन को हम लोग यहाँ सरिए देंगे। अरे यार इधर चॉकलेट वाला इस साइड में रहता है, यहाँ देख सकते हैं चॉकलेट वाला हम इधर ऐसे डिस्प्ले में लगाते हैं, ये भी चॉकलेट ही है। और नेक्स्ट आप गाइस देख सकते हैं आलमंड, आलमंड मॉफिन है, बहुत टेस्टी होता है गाइस, हमको बहुत पसंद है आलमंड मॉफिन, तो इसको भी यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अला सैंडविच है, पूरा ऐसे हम लोग पैक क्रैपिंग करके करते हैं, अला स्मोक्स वाला है, तो इसको भी डिस्प्ले में लगाते हैं फटाफट से गाइस। हम लोग लगा लेते हैं स्मोक वाला नीचे, हाँ नीचे यहाँ डाउन में रहेगा, यहाँ पे स्मॉल वाला हम लोग रख दिया। स्मोक चिकन सैंडविच है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्टी है एला केक है, तो एला आपको टेस्ट है गाइस बहुत अच्छा। इसका नाम है चॉकलेट एक्सेस, एक पीस का गाइस इसका पड़ता है 160 रुपये पड़ता है एक पीस का। इसको यहाँ नीचे में डालते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड भी है बरिश्ता में। तो गाइस जो चॉकलेट वाला एक्सेस जो केक है ना वो बहुत टेस्टी होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा चकना वाला। और इधर साइड में रखा हुआ है देख सकते हैं ब्राउनी है, ब्राउनी आप प्लस यहाँ पे देख सकते हैं मार्बल केक भी है, मार्बल कहते हैं। तो दोनों को भी अरेंज करना पड़ता है डिस्प्ले में, साइड में इसको रख इस साइड में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस साइड में सब कुछ रख दिया, मार्बल केक है, बनाना वॉलनट, ब्राउनी, पूरा ऊपर ऊपर डिजर्ट का लाइन है। तो आपको सामने गाइस आपको एक बार सामने से दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए गाइस जब फाइनली रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का कितना प्यारा सा लग रहा है भाई, पूरा भरा भरा लग रहा है। अभी दो ठू नहीं लगा, चिकन मोमोस और वेज मोमोस, ये दोनों को भी हम लोग अभी लगा देंगे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग YouTube पे भी हमारे वीडियो हम लोग देख रहा था यहाँ पे। और फिलहाल अभी गाइस काफ़ी सारा चीज़ काम बाकी है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी हमें क्लीन कर लिया, माइक्रो ओवन इसको भी क्लीन करना पड़ा, देखिए कनेक्टेड क्लीन है। और ये वाला साफ करना बचा हुआ, इसको भी साफ करेंगे ओटी जी। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिल सैंडविच वाला ग्रिल, इसको भी अभी हम लोग करने वाला सब सब चीज़ है सब सुबह में। एक्चुअली ये सब गाइस एक्चुअली ये सब को ना आपको रात को क्लीन करना पड़ता है, बट हम लोग अभी रात में इकला रहता है उसी कारण से हम साफ नहीं कर पाता, तो इसलिए हम लोग अभी सुबह सबको क्लीन कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते कॉफी मशीन का भी हम लोग प्रेशर आ चुका है,
प्रेशर आ गया, दोनों साइड ऐसे चेक करते। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जितना भी शुगर वगैरह है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, जितना भी आपको एक बार चेक जरूर करना सुबह में, क्योंकि ना कभी कस्टमर अचानक आ जाता है ना तो आप हड़बड़ी में दिक्कत हो जाता है। और यहाँ सब चीज़ है मेरा, हम ऑलरेडी चेक कर लिया। तो और एक चीज़ गाइस आप लोग चेक यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, जैसे अंडर काउंटर फ्रिज में रहता है यहाँ पे सारे सामान थॉइंग होता है, रात को थॉइंग कर लेते हैं, कभी कभी होता है कि ना गलती से हम लोग थॉइंग करना भूल जाता है, उसी कारण से एक बार ज़रूर चेक करना सुबह में, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। सब चीज़ मेरा गाइस ओके है, तो है सब परफेक्ट है यहाँ पे हम। और ये भी बचा हुआ था ना, अरे ये पनीर वाला फिलिंग नहीं है, हाँ नहीं है, है स्मोक सब चीज़ है, स्पिनच एक ही तो है। और एक चीज़ गाइस आप लोग देख सकते हैं, आपको बताते हैं ये सब डेट भी आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें अगर कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है यहाँ पर। और इसको भी साफ करना पड़ता है ब्लेंडर कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए। मेरा ऑल टोटल साफ कर लिया, यहाँ पर देख सकते सिरप वगैरह हम पूरा चेक कर लिया, तो मेरा सब ठीक ठाक है। चलिए इसको साफ कर लीजिए, खुशबू ये वाला साफ कर दीजिए। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं खुशबू हम लोग अभी, कितना दिन हुआ खुशबू तुम्हारा आके, 3-4 दिन ना, तो बहुत सारा काम सीख गया अभी ऐसे भी, तभी हम लोग उससे काम करवाते हैं, कहेंगे ना सुबह ओपनिंग करेगा, और 2-3 दिन के बाद तो इसी को ही करना होगा। अभी हम और विवेक आएंगे 2 बजे सुबह, आपको आना होगा सुबह, सब चीज़ काम करोगे, तो उसी हम उसको सिखा दे रहा हर चीज़, जितना भी हम लोग यहाँ पर काम होता है ना सब चीज़ सिखा देते हैं, और उसी से काम करवाते जा रहा है अभी, अगर सीख जाएगा तो उसको आसान हो जाएगा ना सुबह सुबह, नहीं तो बार बार फ़ोन करेगा ये कैसे बनाना है, ऐसे कैसे बनाना है कोल्ड कॉफ़ी, तो उसी को नहीं हो, उसी कारण से हम उसको सब चीज़ सिखा दे रहे हैं। साफ हो गया इसका, हाँ इसको डेली आपको चेक करना सुबह में, ध्यान देना है सब चीज़। इसको हम साफ करके सोचा गर्म करना, और नीचे ऑन कर दिया था कि नहीं ऑन हुआ है ना, इसको साफ कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। कॉफ़ी मशीन ध्यान रखिए, तो कॉफ़ी भी निकाल, अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए गाइस, जैसे कि सुबह कोई भी अगर स्टाफ आता है यहाँ पे, जैसे कि हम रात को जाते हैं तो गाइस हम लोग कॉफ़ी यहाँ पे साफ करके चलते हैं, इसमें हम लोग टैबलेट ऐड कर देते हैं और कॉफ़ी इसमें निकालते नहीं रात को, तो आपको सुबह आके सुबह चेक करना होगा, यहाँ पर एक एक शॉट निकालना पड़ता है, शॉट निकालते नहीं तो हम जो स्टार्टिंग निकालते ना जो पूरा ख़राब निकालता है, बहुत ज़्यादा ख़राब, उसलिए एक कप यहाँ से निकाल के यहाँ से एक शॉट को निकाल के सब फेंक देना है, पूरा फेंक दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो अभी हम तो अभी देख सकते हैं, फिलहाल हम लोग को बस आया पीच आइस टी रेगुलर साइज, तो अभी हम लोग बनाते हैं, चलिए अभी पीच आइस टी बनाइए, पीच आइस टी रेगुलर साइज हम बता देंगे, आप बनाइए खाली, कॉकटेल शेकर ले लो और उसमें आइस डालिए, आइस हाथ से टच नहीं करना, आइस को ऐड कर लो, डालिए 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 ना उसमें ज़्यादा, हाँ बस बहुत ज़्यादा हो गया हमको लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, रेगुलर है तो देख सकता हूँ, इतना आइस ले लिया, ले लो और सब सिरप डालो, पीच आइस सिरप, पीच सिरप कहाँ है, हाँ यहाँ से देखिए कौन सा पीच, पीच सिरप यहाँ पर सिरप रहता है, पीच सिरप हाँ डाल लीजिए, हाँ सो डालना है 50 ml, 50 और खाइए चॉकलेट है नहीं इसी में करिए ना, थोड़ा सा इसका कम हल्का सा कम, 60 ml का रहता है, थोड़ा सा कम लीजिएगा, हाँ और लीजिए और लीजिए और थोड़ा, हाँ हाँ काफ़ी है, बस डाल लीजिए पूरा, और उसमें आपको चिल्ड वाटर डालना है, चिल्ड वाटर ठंडा वाला, वही ठंडा वाला वही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बर्फ़ है ना इसी से फिल्टर वाला, हाँ और एक बार इतना भी नहीं होगा, और थोड़ा डालना हो 6-6 12 6-8, चलो हो, कैसे आपको पकड़ने सिखाया था, नहीं हाँ ऐसे मिक्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अगर और मिक्स करना। दोस्तों हम फाइनली पिज्जा स्टम को रेडी हो चुका है, तो अभी यह ग्लास में डालिए, इसके ऊपर आपको मिंट लिप डालना है 2 से 3, हो गया ना गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पीच आइस टी है रेगुलर साइज है, तो भी हम लोग इसको कस्टमर को सर्विस करते हैं ना, मस्त लग रहा है भाई। दोस्तों हम लोग फाइनली आइस टी बनाकर रेडी कर लिया, तो हम लोग भैया से पूछते हैं कैसा लगा टेस्ट, अभी तो पी लिया थोड़ा सा, बचाओ पी लिया ना, आप अच्छा लगा,
बोला भैया हमको सर रिव्यू होता है, कैसा लगा आपको? पी के बन नहीं पी के तो देखिए तो हमको बताना है। अच्छा है मस्त, तो भाई जी देख सकते भैया भी बोला अच्छा है, अच्छा है ना? ठीक है दोस्तों, अभी शाम का 5 बज रहा है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग को लाया जाता है प्रसादी, क्या कल से आज शिवरात्रि पूजा क्या होगा सुबह उन्हें हम लोग लेकर आएंगे, हम थोड़ा खा लिए और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस अभी हम लोग फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, कस्टमर अभी खाली है, यहाँ बाहर का भी नज़ारा आप लोग देख सकते हैं पूरा टेबल खाली है। तो कुछ ही टाइम पहले काफ़ी सारा कस्टमर आया था तो हम लोग बना बना के सबको भेज दिया पी पका के। तो गाइस अभी हम लोग चलने वाला गाइस, अभी हम लोग कहाँ चलेंगे, तो अभी हम लोग चलने वाले गाइस बेल्जियम वॉफल जो कि जमशेदपुर का सबसे पहले ओपन किया था यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं गाइस हो गया 3-4 साल पहले, लेकिन इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग वहाँ पर जैसे आज 7 मार्च को वहाँ पे ना एक बेवरेज लॉन्च किया जो कि सन पापड़ी मिल्स है, तो आज हम लोग उसको ट्राई करने वाला है। और वहाँ पे एक चीज़ का आपको बता दें गाइस, वहाँ का जो ना एवरीडे वहाँ पे ऑफर रहता है एवरीडे, और किसी का बर्थडे भी होता है तो वहाँ पे भी डिस्काउंट मिलता है गाइस, काफ़ी सारा चीज़ें हैं वहाँ पे ऑप्शन, तो आप लोग एक बार जरूर आइएगा और एक बार ट्राई जरूर से करना गाइस। तो गाइस चलिए अभी हम लोग मिलते हैं बेल्जियम वॉफल में और सन पापड़ी मिल्स को ट्राई करते और आपको बताते हैं उसका टेस्ट कैसा है, तो आप लोग भी जरूर आइएगा एक बार टेस्ट जरूर से करना। तो गाइस चलिए अभी हम लोग मिलते हैं बेल्जियम वॉफल में। दोस्तों अभी हम फिलहाल है बेल्जियम वॉफल में, आप देख सकते हैं। तो ऐसे अभी हम लोग बनाने वाले हैं, कौन सा बनाने वाले हैं? सोन पापड़ी से पहली वाली है, तभी हम लोग बनाने के लिए देख सकते हैं सुमन बना रहा है। सुमन क्या क्या लिए सबसे पहले, क्या लिए? आइस कितना ग्राम लेना है? 45 ग्राम ना, बोला ना तेरा दवाई देंगे हम, समझी ना, याद की नहीं है दिमाग नहीं 75 सॉरी क्या 45 आइस बना रहा है 75 ग्राम नहीं नहीं गाइस आप देख सकते हैं ये हम लोग का बेल्जियन का टीम मेंबर है सब। तो अभी हम लोग सुमन जी बना रहा हम लोग का 75 कितना हो रहा है? 75 कितना हुआ? 150 डालिए 125 कितना? 250 ना, हाँ 250 डालिए। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लोग मिल्क को ऐड कर रहे हैं, दौड़ बना रहा है ना एक साथ, तो अभी हम लोग 250 ml डाल रहा है, 250 ml डालो 250 ml। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस 250 ml हो चुका है मिल्क, तो अभी क्या ऐड कर रहा है ला? फ्रापे ना क्या बोलते हैं, फ्रापे पाउडर ना, हाँ फ्रापे पाउडर। कितना जाता है एक में, कितना जाता है? 25। दौड़ में कितना जाएगा डालिए, सुमन का हाथ साइज पीते पी के देखेंगे। 25 25 50 30 हो गया, ठीक है भाई देख सकते 50 ml ऑलरेडी हो चुका है। अलीजा आप देख सकते हैं अभी हम लोग फिलहाल सोन पापड़ी को ओपन कर लिया ना, कौन सा सोन पापड़ी यूज़ करते हैं हम लोग? हल्दी वाला सबसे अच्छा है ना। इससे कितना जाएगा सुमन सोन पापड़ी? 45 ग्राम। एक तो भी कितना रहता है दो मेरे तो 45 45 हाँ 90 45 कोई दिक्कत नहीं। हम देख सकते हैं अभी हम लोग डाल लिया सोन पापड़ी को ऐड कर लिया, देखिए 90 हो गया, और क्या डालना है? पूरा मिक्स हो गया, तो चलिए अभी मिक्स करिए तभी इसको बैठा नहीं, ठीक से बैठा दीजिए। तो कितना सेकंड ब्लेंड करना है सुमन? बोल जल्दी बोल। 30 सेकेंड सर। दो फाइनली हम लोग सोन पापड़ी रेडी हो गया, देखिए ये तो देखिए खुशबू तो गार्निश करेंगे ना, हाँ गार्निश भी करेंगे ना ऊपर से, देखिए ये सोन पापड़ी सेक है, ये ठीक रहना से अच्छा है, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो ये सब लगेगा ना, नहीं दिख रहा भाई तो कलर आया ही नहीं है वही तो। हाँ चल मैं देखने दे, और चुरा एक ही जगह गिरा दे रही है उसको फैला के, चीट यहाँ से ऐसी ऐसी करके देना है। तुम कभी घर में नमक नहीं डाली सब्जी में? चीट घर में पानी नहीं, तेल नहीं डालते तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग कौन सा सेगा बताइए। सोन से, सोन सब सोन पापड़ी ना, सोन से सोन से सोन सेक, ये नया लंच हुआ हम लोग का, तो आपको दिखा देते, देखिए
इसमें में रख दिया, इसे भांग मिला के पी लीजिए, मजा अच्छा है। होली के पहले लेके जाना, मेरा भी थोड़ा सा मिल गया, यहाँ पर देख सकते हैं सांप पापड़ी टेस्ट, तो इस पर टेस्ट करते आप लोग के लिए मिला ना, लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टॉल देख सकते हैं छोटा सा है, बेल्जियम वॉफल। तो आज आप लोग मेनू भी दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं मेनू वॉफल काफ़ी सारा डिजर्ट है, जितना भी आइटम है गाइस यहाँ पे देख सकते, मेनू भी आपको शो कर देते, थोड़ा सा देख सकते हैं हम मेनू। देखिए गाइस यहाँ का मेनू बेल्जियम वॉफल का मेनू दोस्तों, हम लोग ले लिया यार, देखिए सांप पापड़ी और इसका टेस्ट आपको बता दें, इसमें फीडबैक देके क्या होगा, रेटिंग बढ़ जाएगा हम टेस्ट अच्छा है, सांप पापड़ी का सेट का टेस्ट बहुत अच्छा है, दे सकते हैं आप, हम लोग रेटिंग भी कर देंगे आपको अच्छा खासा, कौन सी भी दे देंगे हां, जिसका टोमेटो है आप लोग सबका टोमेटो होगा, ही स्विगी होगा, स्विगी नहीं इतना टोमेटो, टेस्ट लेकिन बहुत अच्छा है। हम कौन बनाया सुमन, थैंक यू, ये बनाया था सुमन, लेकिन बहुत अच्छा बनाया, और नेक्स्ट टाइम आप गाइस आप लोग भी जरूर आइएगा टेस्ट जोर से करिएगा सांप पापड़ी से। कब से लॉन्च होगा ना, आज से लॉन्च, आज से हुआ स्टार्ट, हम तो जरूर एक बार आके ट्राई करें। आज का ऑफर क्या है एक बार बता दीजिए थोड़ा, आज का ऑफर, आज तो आप अपलोड कीजिएगा नहीं सुन, तो आज का है और कल क्या होगा बताइए, कल आज है गुरुवार, कल फ्राइडे, फ्राइडे को किकी है, किकी एंड ओरियो क्रीम, तो सॉरी आप सुन लिया, यहाँ पे आज भी ऑफर है लेकिन यहाँ पर डेली का ऑफर रहता है, तो ये जो लॉन्च किया सांप पापड़ी आज ही लॉन्च हुआ, लेकिन बहुत टेस्टी है, तो आप लोग एक बार जरूर से आइए और यहाँ का टेस्ट जरूर से कराइएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड जब चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज़।